चलने में कैसी लग रही है? अभी ठीक है तो जो चलने में तो ठीक है भाई, अब चला। तो दोस्तों अब फटाफट से ना मैं भी ट्राई ले लेता हूँ, उस्ताद जी ने ट्राई ले ली है, थोड़ा हम भी देख लेते हैं भाई तूफान में कितना तूफान है। ये तो क्लच प्लेट है हमारे ना, हाँ ये ऑयल का नहीं होता, ऑयल का तो स्मूथ नहीं होती चलने पर। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश, करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी खुशी की क्लच असेंबली पूरी की पूरी हम चेंज करने वाले हैं, उसके अंदर डालेंगे नया इंजन ऑयल। जी हाँ सही सुना आपने, जो इंडियन है ऑयल वो डालेंगे, लाइक मेड इन इंडिया ऑयल डालेंगे बाइक के अंदर। नाम रहने वाला है हंग तूफान, जो कि आ रहा है साहिल खान की तरफ से, ठीक है। तो मेरे पास ऑयल आया था, तो भाई मैंने आपको दिखाया था पहले वाली वीडियो में कि भैया ऐसे कुछ ऑयल आ रहा है इस पैकेजिंग में, तो लेकिन मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था। इस वीडियो में भी आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई ये ऑयल आप लो या अपनी बाइक में डलवाओ। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मैंने मंगवा लिया ऑयल फ्लिपकार्ट से, तो मैंने अभी तक डाला नहीं, जब आप बोलोगे तब डालूंगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको अभी कि भाई पहले मैं यूज़ कर लूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात होगी। अभी फिलहाल क्या है कि मैं गौरव की शॉप पे हूँ, तो फटाफट से बाइक को लेकर चलते हैं सीधा उस्ताद जी के पास, और वहाँ जाकर इसकी जो क्लच असेंबली है मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। बेसिकली जो ये कवर है, ये वाला कवर खुलेगा, क्लच कवर, इसके अंदर क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें सब होती हैं, वो पूरी बाहर आएगी, पूरा का पूरा हिसाब किताब नया का नया डल जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि मैं क्लच प्लेट डलवा रहा हूँ प्रेशर प्लेट नहीं डलवा रहा या दोनों सीट डलवा रहा हूँ, नहीं, कंप्लीट कटोरा बाहर आएगा और कंप्लीट लग जाएगा इसके अंदर। उसके बाद इसका पिकअप हो जाएगा तूफान, ठीक है। जैसे कि नाम रहने वाला है इसका, अगर बात करें ऑयल का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हंग तूफान, तो इसका पिकअप क्लच पर डलने के बाद तूफान हो जाएगा। लेकिन ये ऑयल कितना तूफान मचाता है इस बाइक में डलने के बाद, ये तो खैर आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। मिलते हैं आपसे आगे, मोटो व्लॉग सेटअप लेके नहीं जा रहा हूँ, तो फटाफट पहुंचते हैं उस्ताद जी दुकान पे, वहीं मिलते हैं आपसे, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं दुकान पे, ठीक है, जो उस्ताद जी बैठ गए हैं ऑयल को ड्रेन कर रहे हैं, जो ड्रेनिंग वाला बोल्ट होता है वो खोलेंगे और इसमें डालेंगे हंग तूफान, बट उससे पहले डालेंगे इसमें क्लच असेंबली जो खोलने वाले। दिखाऊंगा आपको मैं क्लच प्लेट की कंडीशन क्या है अभी फिलहाल, ऑयल निकलने दो पहले। ये लो जी ऑयल करना स्टार्ट। सो गाइस क्लच प्लेट इसलिए चेंज करा रहा हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि भाई क्लच प्लेट डाउन थोड़ी बहुत मुझे लग रही है, तो मैंने सोचा कि नेपाल राइड बढ़िया से कर ली हमने, ठीक है ना, बढ़िया परफॉर्म करा, अभी भी बाइक बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पिकअप ना थोड़ा डाउन लग रहा था इसका, तो मैंने सोचा कि भाई जब मुझे ऑयल की परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है, ऑयल का बताना है कि भाई अच्छा है या बुरा है, क्योंकि भाई देखो मेड इन इंडिया है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई देखो स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब बन जाती हैं, तो एकदम से जज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं सोचा कि पहले ना भाई अपना जो क्लच प्लेट है वो नहीं डलवाता हूँ इसके अंदर, उसके बाद देखेंगे भाई नया क्लच प्लेट सेटअप होगा और नया ऑयल होगा, तो उसके बाद क्या है कि फिर देखेंगे भाई कितना दम है इसके अंदर। क्योंकि भाई देखो अगर ये ऑयल वाकई में अच्छा है और किफ़ायती रेट पे आ रहा है तो बिल्कुल मैं खुद यूज़ करूँगा। वैसे तो आपको पता है काफ़ी टाइम से मोटुल को ही यूज़ कर रहा हूँ और मोटुल ही आपको रिकमेंड करता आया हूँ, लेकिन अभी टाइम जो है ना भाई थोड़ा बदलाव का है, देखते हैं अगर अच्छा होगा तो मैं खुद यूज़ करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो भाई मैं खुद यूज़ नहीं करने वाला, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये है बिल्ड क्वालिटी, देख सकते हैं आप हीरो की, ये देख रहे हो मतलब क्या हुआ है, ये फोकस ले रखा है मैंने स्टैम्प पे, ये जो बोल्ट है ये खोल रहे थे ना, ये अपना क्लच कवर खोल रहे थे, तो उन्होंने जब खोलना चाहा तो भाई अंदर से ही बोल्ट टूट गया, देख रहे हो चूड़ी कितनी रह गई इसकी भाई साहब, अब ये जो है अंदर टूट गया है। उस्ताद जी बता रहे हैं कि जब कभी फ्यूचर में इसका इंजन खुलेगा ना पूरा तब ये जो है बोल्ट बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, अभी अभी निकल सकता है, खिरात विरात वाले भी जाके कुछ नहीं हो सकता है ना, मना कर रहे हैं भाई, तो ये कहीं ना कहीं कांड हो गया भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो जाली है मेरे हाथ में, ये अंदर से निकली है, जितने भी मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर ये जाली ना हो तो नहीं कहाँ का घूम जाए ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कचरा दिख रहा है, और ये अभी मैंने जब क्लच कवर खुलवाया है अंदर से निकला है भाई साहब ये, तो जब कभी भी आप क्लच कवर खुलवाते हो या डीप सर्विस कराते हो तो भाई मैं ये चाहूँगा कि आप जो है ना ये चीज़ क्लीन कराएँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा इसमें मेटल के पार्टिकल्स हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है नहीं। तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो, और रही बात वो बोल्ट की, तो सर जी बता रहे हैं कि वो बोल्ट अंदर टूट गया है। दोस्तों देखा आपने कि भाई बोल्ट जो है वो टूट गया, अब बोल्ट टूट गया तो भाई मैं किसी कमी बोलूँ, हीरो की कमी बोलूँ या जहाँ से हीरो बोल्ट लेता होगा उनकी कमी बोलूँ, या फिर जो मैकेनिक खोल रहा था उसकी कमी बोलूँ, या मैं बाइक तेज चलाता हूँ उसी कमी बोलूँ, है ना, तो कमी तो भाई ये उसी की जिनने बोल्ट बनाया, भाई देख रहे हो कि टूट गया अंदर यार ये,
और कहने को ऐसा तो है नहीं कि जंग लगा हुआ था, यह बहुत साल पुरानी बाइक है, 3 साल पुरानी बाइक है, बोल्ट टूट गया इंजन के अंदर। अब ये लगा लो, जब कभी इंजन पूरा खुलेगा तब ये बोल्ट मिलेगा, अदरवाइज ऐसे रहने वाला है। अब इसमें ऑयल लीकेज तो खैर उस्ताद जी बता रहे हैं कि ऑयल लीकेज नहीं होने वाला, बट स्टिल दिमाग में तो यही चलेगा ना, बोल्ट टूट गया इंजन के अंदर। तो बस वही बोलूँगा कि हीरो को कि अगर कहीं से नट बोल्ट खरीदते हो, खुद नहीं बनाते हो, तो भाई प्लीज़ यार उनको टाइट करो, उनको बोलो कि भाई क्वालिटी में जो है ना बिल्कुल भी कमी ना छोड़े, जो ऐसे सीन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि चलो मेरे को तो पता है, अब जिसको नहीं पता होगा कहीं ना कहीं भाई वो तो ये सोचेगा कि भाई बिल्ड क्वालिटी बेकार है क्या। दोस्तों अभी पूरा का पूरा ना क्लच का सामान पूरा खोल के देख सकते हैं आप उस्ताद जी ने यहाँ पर, ठीक है जी। और अगर मैं बोल्ट की बात करूँ तो भाई देखो यहाँ कहीं टूटा है और वो अंदर है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि वैसे तो वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यार दिक्कत तो है ही ना, आप देख सकते हैं। अरे उस्ताद जी एक बात बताओ मुझे, ये जो हंग तूफान है, ये ऑयल जो है, इसको लेकर क्या तुम्हारी राय है अभी तक, मतलब इंप्रेशन कैसा है तुम्हारा भाई? वैसे तो ग्रेड ठीक है, ग्रेड तो सही लिखी हुई है, ग्रेड भी ठीक है, जैसे हमें 2 है, API SN है, टॉप ग्रेड ऑयल है, ठीक है। अब जब ऑयल खुलेगा तब इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। तो एक क्वालिटी तो हम हाथ में लेके बता देंगे, एक क्वालिटी होती है कि भाई चलने के तो कम से कम कितने किलो, मतलब कितने किलोमीटर बाइक चलाऊं, 500, 200, 1000 किलोमीटर? इसमें अगर आप 50 किलोमीटर रेगुलर बाइक चलाते हो तो इस ऑयल की ग्रेविटी पता लग जाएगी आपको क्या है, तो मतलब वो तो ठीक है। तो मतलब एक स्मूथनेस गर्म होने के बाद इंजन पतला नहीं पड़ना चाहिए, ये होता है बेसिकली, वरना हवा बदल जाती है। ठंडे में तो सारे इंजन ऑयल सही होते हैं, नहीं गर्म होने पे क्या होता है कि आवाज बदल जाती है, इंजन की खचाखच आती है, आवाज बदल जाती है, फिर तेल पतला नहीं होना चाहिए। सही है, अगर तेल ग्रेविटी सही बता रहा है अपनी, हाँ तो फिर तेल ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान यही होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो सर उस्ताद जी ने बोला है कि भैया तेल पतला नहीं होना चाहिए, जैसे कढ़ाई में जब कभी ठंडा तेल डालोगे ना, चाहे सरसों का डालो चाहे रिफाइंड ऑयल डालो, तो उस टाइम पे गाढ़ा होगा, और जब वो फुल गर्म हो जाएगा तो एकदम ऐसा होता है पानी तरह, है ना, एकदम पानी तरह हो जाएगा, और वो 80-90 फुल हीट करने के बाद फिर इंजन के बाद पता चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको पानी में उतारने के लिए हमें बाइक को चलाना होगा थोड़ा सा बढ़िया, और बढ़िया चलाने के लिए हमें जो है भाई कुछ टाइम देना होगा इसको। तो कोई बात नहीं, करेंगे इसको टेस्ट करेंगे, मैं हाईवे पे एक दिन एक मोटो व्लॉग ऐसा करूँगा, अगर कमेंट करोगे तो करूँगा, वरना यार ऐसे नहीं भाई मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। अगर आपको जानना है वाकई में हंग तूफान में पावर है, तूफान नाम कैसा लगा तुम्हें ऑयल का? नया नाम है, नया नाम, नया तूफान है, तूफान लाएगा ये, अब तो डालने के बाद पता चलेगा। और ये जो क्लच प्लेट डाल रहे हैं ये तो तूफान ले आएंगी, ये तो ले आएंगी, तो भाई तूफान तो क्लच प्लेट लेके आएंगी, वो तो उस्ताद जी के हाथ का जादू डलेगा इसमें। लेकिन अभी जो है फिलहाल ये जो साहिल खान भाई तरफ से जो आ रहा है हंग तूफान, ये देखते हैं, बने रहो आप। दोस्तों यहाँ पर जो है ना हंग तूफान की जो है ओपनिंग हो रही है, देखते हैं भाई। ये लो जी इसकी सील हटा दी ऊपर से, जरा उस्ताद जी बताएंगे अब कैसा है कैसा नहीं है। जो भी हो ऑनेस्ट रिव्यू देना है ना, मतलब जो सही है वो बताना, कैसा ऑयल लगा देखने में? हैं बेकार है ये, कैसा ऑयल है भाई? तो स्प्राइट जैसा एकदम पानी जैसा, हैं गाढ़ा है तेल, मतलब कि क्या कहना चाह रहे हो, मतलब बताओ, मतलब बढ़िया है मामला नहीं? अच्छा नॉन स्टॉप 50 किलोमीटर चलानी पड़ेगी क्या? 50 या 20 भी चला दोगे ना तो बहुत है, 80-90 अगर 20 किलोमीटर चलाओगे वो भी बहुत है, ठीक है। मतलब 80-90 किलोमीटर में इंजन गर्म हो जाता है पूरा, हाँ। उसके बाद तुम जितनी रेंज में चला के उसकी ग्रेविटी चेक कर सकते हो, कर लो, हाँ। बड़े में बता रहा हूँ, तुम 20 किलोमीटर चला लोगे ना, हाँ। उसके बाद ही चेक कर लेना, 50 किलोमीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, तेल हल्का है, तेल हल्का है, जैसे जैसे मतलब इसके प्राइस रखे गए 450 रुपये, ये समझ लो इससे अच्छा तो तुम अगर वो डाल दोगे ना वेलो लाइन का CNG इंजन वाला, वो इससे अच्छा है। अच्छा जी, जैसे फुली सिंथेटिक लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा है नहीं तेल। तो दोस्तों सुना आपने, मतलब उस्ताद जी ने बताया कि भाई तेल जो है वो हल्का है,
अब हल्का तेल मतलब किसी से इसके जो बॉक्स है जो डब्बा है इसका उस पर लिखा है फुल्ली सिंथेटिक और ये और वो है, तो उसके हिसाब से अंदर मटेरियल वैसा नहीं निकला है ऐसा इनको लग रहा है देखकर, ठीक है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सीनियर और मेरे से ज़्यादा नॉलेज तो भाई इन्हीं को है, तो मैं अपने आप तो जज करके नहीं बोल रहा, बट ये हमारे तरफ से फर्स्ट अटैम्प्ट था कि भाई देख लिया हमने देख कर कैसा लग रहा है। बाकी एक सेकेंड अटैम्प्ट करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे चलाकर इसको 50 से 100 किलोमीटर की राइड करके देखेंगे कि वाकई में तेल अच्छा भी है या नहीं। अगर अच्छा नहीं हुआ तो भाई मैं इसको निकाल दूंगा और आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर अच्छा हुआ तो यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई बस ये बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से साहिल भाई को या फिर जो हंग तूफान के और भी जो मतलब टीम के बंदे हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई देखो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो ना मेड इन इंडिया तो भाई ऐसा बनाओ कि मतलब इंडिया वाले जो हैं वो बाहर वाले की वही मतलब ऑयल यूज़ ना करें, कोई और प्रोडक्ट यूज़ ना करें, बस ये बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों अब फटाफट से ना मैं भी ट्राई ले लेता हूँ, उस्ताद जी ने ट्राई ले लिए, थोड़ा हम भी देख लेते हैं भाई तूफान में कितना तूफान है। ये तो क्लच पेटक हमारे ना, हाँ ये ऑयल का नहीं होता, ऑयल का तो स्मूथ नहीं होती चलने के ऊपर। तो भाई पिकअप तो भाई जो बात है टॉप नोच हो गया इसका, जो बात है ये बहुत चालू। और पर बातचीत आ गई मतलब पिकअप हो गया इसका एक नंबर, टॉप नोच क्वालिटी वाला पिकअप हो गया है। बट बात करें उस चीज़ की, क्या नाम है, ऑयल की, तो ऑयल की जो है ना मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट होगी मतलब हाईवे पे जहाँ पर नॉन स्टॉप 90-100 में बाइक भगाऊंगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई कितने पानी में है कितने पानी में नहीं है। बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। मेरा नया चैनल जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना उसका भी लिंक मिल जाएगा।